ऋषभ पंत बैक ऑन ट्रैक? वेल, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ऋषभ पंत ने लखनऊ में जाकर लखनऊ की टीम को पटकनी दी, लेकिन एक कप्तान के तौर पर तो किनारे रखे हैं। ऋषभ ने वो जो घूमकर स्कूप मारा था पीछे, जहां पर विकेटकीपर और फर्स्ट स्लिप के ऊपर से छक्का गया, यार वो छक्का क्या आपको भी जिमी एंडरसन को मारे गए ऋषभ पंत के छक्के की याद दिला रहा था? हाँ, याद कीजिए, इंग्लैंड में मैच चल रहा था और ऋषभ पंत ने घूमकर जिमी एंडरसन को छक्का मारा था। वो जिमी एंडरसन जो 600 प्लस विकेट ले चुके हैं, उन्हें स्कूप छक्का मारा था और जिमी एंडरसन ने मुस्कुरा उठे थे। एग्जैक्टली वही कट कॉपी पेस्ट शॉट जो है वो ऋषभ पंत ने स्टॉइनिस को मारा। स्टॉइनिस भी तेज गेंदबाज है, हालांकि मीडियम पेसर गेंदबाज है, लेकिन फिर भी एक तेज गेंदबाज को घूम कर भी छक्का मारना और फिर एक पीछे छक्का मारना, ये कुछ शॉट ऐसे थे जिसने ऋषभ पंत को लेकर ये उम्मीद जताई कि ऋषभ इज बैक ऑन ट्रैक। क्योंकि एक खिलाड़ी अपने शॉट से जाना आता है, रोहित शर्मा पुल शॉट से, विराट कोहली कवर ड्राइव से, ऐसे ही ऋषभ पंत जो है अपने ऐसे उटपटांग शॉट से। हालांकि ऋषभ 24 बॉलों पर 41 रन बनाकर जिस तरह आउट भी हुए, वो भी ऋषभ पंत की स्टाइल ही था। अजीबो गरीब शॉट मारा उन्होंने और अजीबो गरीब शॉट मारकर बल्ला जो है उठाकर फेंक दिया, बल्ला चला गया पीछे, राहुल के हाथ पर बल्ला लगा, राहुल ने स्टंप पर बॉल लगाई और ऋषभ 24 बॉल पर 41 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन आउट होने से पहले अपना इंपैक्ट जो था वो छोड़ दिया था और 170 के स्ट्राइक रेट से खेलने की वजह से उनकी टीम जो है वो इस मैच को जीत जाती है। लेकिन इस मैच को जीतने के साथ मेरे मन में सवाल आने लगा, क्या ऋषभ पंत को हम इंटरनेशनल T20 में रख सकते हैं वर्ल्ड कप में? हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऋषभ पंत का T20 इंटरनेशनल में बड़ा क्रिटिक्स रहा हूं, क्योंकि ऋषभ पंत को काफी मौके मिले हैं और उन मौकों को वो भुना नहीं पाए हैं। ऋषभ IPL में एक बहुत अलग प्लेयर रहे हैं। IPL में वो प्लेयर हैं जो 3000 प्लस रन बना चुके हैं सबसे तेज, लेकिन जब बात T20 इंटरनेशनल्स की आती है तो उनका स्ट्राइक रेट 130 से नीचे है और उनका बैटिंग एवरेज जो है वो 25 से भी नीचे है। और 50 प्लस मैच खेलने के बाद अगर आप ये इंटरनेशनल स्टैट मेंटेन करते हैं तो फिर आपकी एबिलिटीज पर क्वेश्चन होना तय है और वो होगा भी। लेकिन कई बार खिलाड़ी वक्त के साथ बदलते हैं और ऋषभ पंत जब 15 महीनों की चोट के बाद लौटे और पहले 6 मैचेस में 194 रन बना चुके हैं, 32 का एवरेज है, 157 का स्ट्राइक रेट है, उसमें भी पहले 2 मैच खराब थे और उसके बाद इम्पैक्टफुल पारियां खेली, CSK के सामने 32 पर 51, KKR के सामने 25 पर 55 और अब LSG के सामने टफ कंडीशंस में 24 पर 41, तो ऋषभ पंत धीरे धीरे रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं और ये चर्चा तेज हो गई, क्या ऋषभ पंत इज एक्चुअली बैक ऑन ट्रैक? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल हमारे मन में है। हालांकि ऋषभ के साथ कई और भी कंपटीशन है जो इस IPL में है, जिसमें से मेरे हिसाब से एक नाम दिनेश कार्तिक का चल रहा है, जिन्हें रोहित शर्मा ने खुद कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी। दूसरा नाम संजू सैमसन का है। संजू की अगर बात की जाए तो संजू इस लिस्ट में काफी आगे हैं, 5 मैच में 246 रन, 82 का एवरेज और 157 का स्ट्राइक रेट, जो ऋषभ से काफी ज्यादा बेहतर है। दिनेश कार्तिक जिस पोजीशन पर खेल रहे हैं उसके हिसाब से ही इज ऑल्सो वेरी गुड, 6 मैच 143 रन, 71 का एवरेज, 190 का स्ट्राइक रेट और ये भी अपने आप में कमाल है, कमाल है। लेकिन ऋषभ पंत एक एक्स फैक्टर तो रहे हैं और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक। अब क्या IPL वाली फॉर्म उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऋषभ, दिनेश कार्तिक और संजू सैमसन, मेरे हिसाब से इन्हीं में से कोई 2 विकेट कीपर ऐसे होने वाले हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर T20 क्रिकेट खेलने जाएंगे। आपकी नजर में कौन है? क्या वो संजू सैमसन है जो काफी ज्यादा अच्छा एवरेज मेंटेन कर रहे हैं, या वो दिनेश कार्तिक हैं जो 71 का एवरेज और 190 का स्ट्राइक रेट, जो इन दोनों से कहीं ज्यादा है, कमाल है, या ऋषभ पंत जो कई महीनों बाद वापसी कर रहे हैं बट धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हैं? व्हाट्स योर टेक? एंड आपको भी लगा वो छक्का देखकर पीछे, ऋषभ पंत इज बैक ऑन ट्रैक?